भगत फूल सिंह, महिला विश्वविद्यालय रीजनल सेंटर रेवाड़ी। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। प्रतिभागी जब मंच पर आता है तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। जी हां, ये हमारे प्रतिभागी भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय रीजनल सेंटर रेवाड़ी की यह विद्यार्थी। और इसके पश्चात हमारे अगले प्रतिभागी महाराणा प्रताप नेशनल कॉलेज मुलाना अंबाला। हरियाणा में जो मिट्टी से बने हुए बर्तनों को किस तरह से तैयार करते हैं, हमारे हरियाणा की परंपरा का एक बेहतरीन हिस्सा है। यह है हमारा महाराणा प्रताप नेशनल कॉलेज मुलाना की छात्रा, जो कि बता रही हैं कि किस तरह से मिट्टी के बर्तनों को तैयार करके बाजार में जा करके उन्हें बेचा जाता है और उसके बदले में किस तरह से हम अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। चलिए उसके पश्चात हमारे अगले प्रतिभागी हैं भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत। जोरदार तालियां। किस तरह से पनिहारी खेत में गांव में जाकर कुएं पे पानी किस तरह से भरा जाता है, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हम देख रहे हैं यहां पर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला की यह छात्रा। इसके पश्चात अगले हमारे प्रतिभागी आ रहे हैं गीता यूनिवर्सिटी न्योलथा पानीपत की छात्रा। हमारे प्रतिभागी गीता यूनिवर्सिटी न्योलथा पानीपत की छात्रा अगली हमारे प्रतिभागी आ रहे हैं। ये जो मंच पर हैं इस वक्त, ये प्रतिभागी हैं हमारे भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत से। और चलें, हमारे अगले प्रतिभागी आ रहे हैं गीता यूनिवर्सिटी न्योलथा पानीपत। जी हरियाणा की हमारे परंपरागत नृत्य और इसके पश्चात हमारे अगले प्रतिभागी आ रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ऑनर स्टडी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र IIHS इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ऑनर स्टडी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। प्रतिभागी मंच पर बता रहा है और प्रदर्शन कर रहा है किस तरह से हम पानी को भरने के लिए पनिहारी पनघट पर जाती है। और इसके पश्चात हमारे अगले प्रतिभागी हैं चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय खान गजवाना चौधरी। हरियाणा प्रदेश की परंपरा में दुल्हन के लिबास में किस तरह से दुल्हन का घर में आगमन होता है, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय खान जडवाना की है छात्रा आपके सामने अपना प्रस्तुतिकरण दे रही है। जी हाँ, और इसके पश्चात हम चलते हैं अगले प्रतिभागी की ओर। शहीद दलबीर सिंह गवर्नमेंट कॉलेज खरखोदा सोनीपत। जी हाँ, ये हमारे प्रतिभागी हैं हरियाणा प्रदेश का पहला गवर्नमेंट कॉलेज दुबलधन झज्जर। गवर्नमेंट कॉलेज दुबलधन झज्जर की यह छात्रा किस तरीके से मंच पर अपना प्रस्तुतिकरण कर रही है कि किस तरह से हम खेतों में जाते हैं, किस तरह से हम अपने जीवन की खान पान की चीजों का प्रबंध करते हैं, किस तरह से हम पानी भर कर लेकर के आते हैं, उन परंपराओं को मंच के माध्यम पर प्रस्तुति करती थी। यह
गवर्नमेंट कॉलेज सुपर झज्जर की छात्रा, और इसके पश्चात अगले प्रतिभागी हैं गवर्नमेंट कॉलेज अलेवा जींद। जी हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज अलेवा जींद की यह छात्रा मंच पर अपना प्रदर्शन करते हुए हरियाणा प्रदेश की लोक परंपरागत वेशभूषा में किस तरीके से हम आकर के इसके पश्चात हमारे अगले प्रतिभागी आ रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज जींद। गवर्नमेंट कॉलेज जींद के हमारे अगले प्रतिभागी आपके समक्ष। जी हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज जींद, और इसके पश्चात हमारे अगले प्रतिभागी आ रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज नारनौंद हिसार के विद्यार्थी। गवर्नमेंट कॉलेज जी किस तरह से खेतों में हम काम करते हैं और किस तरह से अपने पशुओं के लिए चारा लेकर के आते हैं, उसका दृश्य आपके समक्ष मंच पर साझा करते हुए गवर्नमेंट कॉलेज जींद की छात्रा। और इसके पश्चात अगले प्रतिभागी गवर्नमेंट कॉलेज नारनौंद हिसार, क्षमा, गवर्नमेंट कॉलेज नारनौंद की यह छात्रा है जो हरियाणवी वेशभूषा खेत में किस तरह से हम काम करके जाते हैं। ये छात्रा गवर्नमेंट कॉलेज नारनौंद हिसार, और इसके पश्चात हमारे अगले प्रतिभागी आ रहे हैं आरकेएफडी कॉलेज कैथल। जी हाँ, आरकेएफडी कॉलेज कैथल के विद्यार्थी किस तरह से हम पनघाट पर पानी लेने के लिए जाते हैं, उसका दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए। और आरकेएफडी कॉलेज कैथल के पश्चात डीएवी कॉलेज, डीएवी पीजी कॉलेज करनाल के मंच पर आ रहे हैं डीएवी पीजी कॉलेज करनाल की छात्रा आपके समक्ष। और अगले प्रतिभागी आ रहे हैं नेजू के साथ पानी खींचते हुए, और पानी को मटके में डाल करके किस तरह से हमारे ग्रामीण परिवेश में चला जाता है। और अगले हमारे प्रतिभागी के एम गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना। जी हाँ, के एम गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना की छात्रा, के एम गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना की छात्रा, एफडी महिला महाविद्यालय नरवाना की छात्रा आपके समक्ष मंच पर है हरियाणवी वेशभूषा में हरियाणवी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए। एफडी महिला महाविद्यालय नरवाना, एफडी महिला महाविद्यालय नरवाना की छात्रा मंच पर अपना प्रदर्शन करते हुए किस तरह से गांव में जाकर के हम नदी के किनारे रजवाहे पर किस तरह से हम अपने वस्त्रों को धोकर के लेकर के आते हैं, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लोक परिधान में एसडी कॉलेज नरवाना की छात्रा मंच पर। और इसके पश्चात हमारे अगले प्रतिभागी आ रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स उगालन हिसार, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स उगालन हिसार, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स उगालन हिसार की छात्रा मंच पर अपना प्रदर्शन करते हुए। और अगले प्रतिभागी आ रहे हैं
आरएपीजी कॉलेज पानीपत, आरएपीजी कॉलेज पानीपत की छात्रा मंच पर अपना प्रदर्शन करते हुए आपके समक्ष लेकर के आई है किस तरह से हम अपने काम को करते हैं, अपने दैनिक जीवन में जिस तरह से हम कामों को करते हैं उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लोक वेशभूषा में आरएपीजी कॉलेज पानीपत के विद्यार्थी। और इसके पश्चात हमारे अगले प्रतिभागी आ रहे हैं द्रोणाचार्य डिग्री कॉलेज कुरुक्षेत्र। जी हाँ, द्रोणाचार्य डिग्री कॉलेज कुरुक्षेत्र की छात्रा। मंच से जाते हुए आरएपीजी कॉलेज पानीपत की छात्रा और मंच पर अपना प्रदर्शन करते हुए द्रोणाचार्य डिग्री कॉलेज कुरुक्षेत्र की छात्रा, किस तरह से हम अपने खेत में चूल्हे पर हारे में आग जला करके किस तरह से हम अपने दूध को चाय को बनाते हैं उस परंपरा को मंच पर प्रदर्शन करते हुए द्रोणाचार्य की यह छात्रा। और उसके पश्चात हमारे अगले प्रतिभागी मंच पर आ रहे हैं यूटीडी यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। जी हाँ, यूटीडी कुरुक्षेत्र की छात्रा मंच पर। और इसके पश्चात हमारे अंतिम प्रतिभागी मंच पर आ रहे हैं भगत फूल सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग भगत फूल सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। निर्णायक मंडल से निवेदन कि इनका नाम अपनी लिस्ट में ऐड कर लें। ये फोक कॉस्ट्यूम फीमेल। मैं चाहूँगा कि हमारी सभी फोक कॉस्ट्यूम की सभी छात्राएं एक राउंड लगाते हुए और आगे मंच पर खड़ी होंगी ग्रुप फोटो के लिए। चलिए, हरियाणा प्रदेश की लोक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वेशभूषा में अपना प्रदर्शन करते हुए क्षेत्र यूनिवर्सिटी में हमारा सजा खड़ा दरबार करे हो जाओ तैयार रत्नावली त्योहार टम 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 रू बजे और तुम बैकी तार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हमारा सजा खड़ा दरबार करे हो जाओ तैयार रत्नावली त्योहार। और हरियाणा प्रदेश की लोक पारंपरिक वेशभूषा फोक कॉस्ट्यूम मेल और फोक कॉस्ट्यूम फीमेल का यहाँ पर समापन होता है। और इसके पश्चात होगा थ्रिल रत्नावली महाकुंभ का एक बहुत ही बेहतरीन उम्दा इवेंट आपके सामने। हरियाणवी फैशन शो की शुरुआत होने जा रही है। सभी दर्शक आराम से बैठें, बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति अभी आपके समक्ष।